बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि खुश होगी। तो आज मैंने अपना ब्लॉग जो है वो फ्राइडे के दिन का ये बनाया है, और मैंने सुबह ही इरादा कर लिया था नाश्ते के टाइम कि आज मैंने ग्रॉसरी के लिए जाना है, तो मैं ये ग्रॉसरी के लिए आई हूँ। और क्योंकि लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं और जल्दी जो है शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं 7 बजे के करीब, यहाँ जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद के इलाके में जो है इस तरह से हो रहा है, तो मैं इस वजह से मैंने कहा नाश्ते के बाद आज ग्रॉसरी के लिए जाना है और बाकी सारे काम आके किए जाएंगे। ये वो सारा सामान है जो मैं सेव मार्ट से लाई थी। हमारे घर के करीब जो है वो सेव मार्ट है और एशियन मार्ट है, तो हम सारी खरीदारी वहीं से करते हैं। और ये सामान ला के मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं, क्योंकि फिर ये ना क्या है कि आप क्या लाई थी और दिखाया नहीं, तो इसलिए मैंने इसके भी जो है ना वो क्लिप्स बना लिए थे। और ये सामान मैं ला के इसी तरह रख देती हूँ, क्योंकि कोरोना दोबारा आ चुका है और 2 दिन तक कहते हैं कि जो जर्म्स किसी भी सरफेस पर हों तो वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए कि अगर कोई है भी इस तरह की बात तो ना रहे कि यहीं पे 2 दिन पड़ा रहता है सामान। ग्रॉसरी के बाद थोड़ी थकान हो गई थी, तो इस टाइम मैंने कहा चलो चाय बना के थोड़ा सा मैं अपने बेडरूम में आ गई थी, थोड़ा टीवी इंजॉय किया आधे घंटे तक, और फिर उसके बाद खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और फिर मेरे छोटे बेटे की बर्थडे थी आज, तो मैंने फिर इसके लिए ना फिर केक भी साथ लेके ही आई थी, तो फिर मैंने बच्चों को ला के सारा फिर केक वगैरह काटा, तो फिर इस तरह से इसकी बर्थडे इंजॉय करवा दी थी कि चलो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो ये वो केक है जो मैं लेके आई थी, कि क्योंकि सेव मार्ट और जो एशियन मार्ट है दोनों आमने सामने ही है, तो फिर जब मैंने क्रॉसरी कर ली थी तो मैं कहा बच्चों के लिए केक ले जाती हूँ, क्योंकि छोटे बेटे की बर्थडे थी, मैं कहा इस तरह से वो खुश हो जाएंगे। और खाना जाके फिर मैं ये कि गोश्त वगैरह मैरिनेट कर गई थी, तो मैं कहा खाना फिर मैं बना लूँगी इसके बाद, और थोड़ा सा बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी मिल जाती है।
एक बज गए थे और ज़ाहिर जुमे की नमाज़ का टाइम भी हो रहा था, और मैं एक वॉश वगैरह ही मैरिनेट करके चली गई चिकन, और इसमें मैंने अदरक लहसुन और शान बिरयानी मसाला वगैरह डाल के, और गरम मसाला, शान बिरयानी मसाला, नमक मिर्च, धनिया पाउडर और नींबू का रस और टमाटर वगैरह जो है, तली हुई प्याज वगैरह सब चीज़ें डाल के जो है ना इसको मैरिनेट करके रख गई थी, ताकि वापस आके मुझे मुश्किल ना हो। तो ये पहले के मैरिनेशन का जो सीन था ये वो है, और ये देखिए सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। और इसके बाद जो है मैंने आके चावल उबाले, और साथ पे मैंने तह लगा के बिरयानी तैयार कर दी थी। तो ये मैरिनेट किया हुआ ये देख लें चिकन है, और इसके बाद मैंने जो है देगची में इसको डाल दिया था बस। और जब ये देखें ये देगची मैंने इसे डाल दिया है, और ये जब अच्छी खासा यानी उबाल पे आया है तो फिर पक के और पानी वगैरह छोड़ता है, और उसके बाद ये है कि इसको भून लिया था और मसाला तैयार हो गया था। ये मैं चावल उबालने लगी हूँ, तो इसमें मैंने साबुत गर्म मसाले डाले हैं, और चावल उबाल लूँगी और फिर बस बिरयानी की तह लगाऊंगी, उस पर कलर डालूंगी। हाँ, मैं अपनी वैसे बिरयानी में ऊपर से जो है ना थोड़ा सा मसाला जो है, जो रेडीमेड मसाला होता है जैसे शान का मैंने यूज़ किया था, तो वो मैं ऊपर से थोड़ा सा जो है ना स्प्रिंकल कर देती हूँ, ताकि उससे ज़रा एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और खुशबू भी आती है। तो और प्याज वगैरह डालती हूँ, बाकी चीज़ें तो बीच में ही ऐड कर देती हूँ चिकन में, तो वो तो भूनते वक्त आई घुल जाती है, ताकि मुँह में बार बार चीज़ें ना आए। तो इस तरह से फिर मैंने बिरयानी तैयार कर ली थी। जी तो ये देखें हमारी मज़ेदार बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो फिर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने इनिशियली अभी ये चैनल स्टार्ट किया है, और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।